हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट। जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी मैथ की सीरीज चल रही है जिसको मैं अरश अग्रवाल मैथ से कवर कर रहा हूँ, जिसमें चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, एससीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स। इसमें अभी तक हम 4 वीडियो कवर कर चुके हैं और कुल मिला के इस मैथ सीरीज के हम 18 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 कवर किया था नंबर सिस्टम्स, जिसके ऊपर मैंने 13 वीडियो बनाई थी। अगर आपने नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस नहीं किया तो आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं, और साथ के साथ एससीएफ और एलसीएम के पिछले तीनों वीडियो भी, चारों वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, आज की एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 आ जाता है, जिसमें बताया गया है ए बी सी आर द 3 नंबर्स सच दैट एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज बी, एलसीएम ऑफ बी एंड सी इज सी, देन फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। 3 नंबर है ए बी सी, उनमें से पहले जो 2 नंबर है ए एंड बी, उसमें एलसीएम है बी। अगर 2 नंबर का एलसीएम बी है तो बी क्या होगा, ए का मल्टीपल होगा। बी और सी में एलसीएम है सी, तो सी किसका मल्टीपल होगा, बी का, इसलिए सी को यहाँ पर मल्टीपल बताया है, सी को एलसीएम बताया है। तो हमें तीनों में फाइंड आउट करना है एलसीएम क्या होगा, क्योंकि सी बी का मल्टीपल है और बी ए का मल्टीपल है, तो सी जो है ए का भी मल्टीपल होगा, इसलिए ऑप्शन सी सबसे बड़ा और तीनों का मल्टीपल होगा, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द एलसीएम ऑफ द 3 नंबर्स ए एंड ए बी एंड सी। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 आ जाता है, जिसमें बताया गया है द रेशो ऑफ द 2 नंबर इज 3:4। 2 नंबर दे गया जिनका रेशो कितना, 3:4, एंड देयर एचसीएफ इज 4, और उनका एचसीएफ दिया गया है 4, तो एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। 3:4 और इनका एचसीएफ कितना है, 4। एचसीएफ क्या होता है, दिए गए नंबर्स का कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए तो रेशो नंबर्स को हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमें नंबर का पता चल जाएगा, यानी 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12, और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16। तो ये 2 नंबर होंगे जिनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। तो इनका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिलेगा 48, कितना मिलेगा, 48। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें बताया गया है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 216। 2 नंबर का जो सम है, एडिशन है, वो 216 है। देयर एचसीएफ इज 27, और उनका एचसीएफ कितना है, 27। हमें वे नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हम एक नंबर मान लेते हैं एक्स, दूसरा मान लेते हैं वाई। 27 क्या है, एचसीएफ है। एचसीएफ क्या है, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिए गए नंबर में मल्टीप्लाई हो जाता है, क्यों, क्योंकि दोनों का ये कॉमन फैक्टर है। तो 27x और 27y, ये दोनों नंबर हमें मिल जाते हैं। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना और इसमें पुट अप करना है, तो हमें दिए गए नंबर मिल जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या बताई गई है, इन दोनों का जो सम है वो कितना, 216, कितना है, 216। तो 27 दोनों में कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 216। एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 216 को हम 27 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8, कितना मिलेगा, 8। अब 8 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स प्लस वाई की फॉर्म में, वो कौन से होंगे, 1+7 या फिर 3+8। 1 और 7 एक्स और वाई की वैल्यू रहेगी, या फिर 3 और 5 एक्स और वाई की वैल्यू रहेगी, दोनों को हम चेक करते हैं। एक रहेगी 1 और 7, और दूसरी रहेगी 3 और 5। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, तो फर्स्ट में क्या आएगा, 27 इंटू 189, और सेकंड में क्या आएगा, 81 इंटू 135। अब ये हमें दो पेयर मिल जाते हैं, लेकिन दिए गए ऑप्शन में सिर्फ फर्स्ट पेयर ही दिखाया गया है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 आ जाता है, जिसमें बताया गया नंबर ऑफ नंबर पेयर्स लाइंग बिटवीन 40 एंड 100। 40 और 100 के बीच में कुछ पेयर्स हैं, वो हमें फाइंड आउट करने हैं, जिनका एचसीएफ इज 15, जिनका एचसीएफ कितना होगा, 15 होगा। तो 15 क्या है, कॉमन फैक्टर है, इसलिए हम 15 के मल्टीपल चेक करेंगे जो कि 40 और 100 के बीच में आते हो। तो 45 से बड़ा कौन सा होगा, 45, जो कि 15 का मल्टीपल है। फिर आएगा 60, फिर आएगा 75, फिर आएगा 90। ये 4 हमें नंबर्स मिल जाते हैं जो 14 और 100 के बीच में है और 15 के मल्टीपल है। तो हमें नंबर मिलते हैं 45,
60, 75 और 90। अब इनके हम पेयर बनाएंगे, इन दो का पेयर बनेगा 45 और 60, 45 और 75 का, 45 और 90 का। वैसे 60 का इन दोनों के साथ बनेगा 60 और 75, 60 और 90, और वैसे इन 75 और 90 का। अब हम चेक करेंगे कि इनका एससीएफ जो है 15 है, इन दोनों का एससीएफ कितना होगा, 15 होगा। इन दोनों का एससीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, 50। 45 और 90 का एससीएफ होगा 45, क्योंकि 45 ऐसा बड़ा फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड करता है, तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है 15 के, ये 15 इनका एससीएफ नहीं है। 60 और 75 का एससीएफ रहेगा 15, 60 और 90 का एससीएफ होगा 30, तो ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। 75 और 90 का एससीएफ होगा 15, तो चार पेयर हमें मिल जाते हैं जिनका एससीएफ 15 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 4, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107। दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना दिया गया है, 4107। द इफ इफ द एससीएफ ऑफ दिस नंबर्स इज 37, अगर इनका एससीएफ 37 है तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, दोनों नंबर में जो बड़ा नंबर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इसको कैसे करेंगे, हम दो नंबर लेंगे एक्स और वाई, क्योंकि एस सी एफ इनका कितना 37, तो 37 से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी प्रोडक्ट करेंगे जो किसके इक्वल रहेगी, 4107 के। ये बिल्कुल सेम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 44 किया था, उसमें एडिशन था, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया गया है, तो एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 4107 अपॉन 37 इंटू 37। इनको हम काटेंगे तो 37 को, 37 से हम काटेंगे 4107 को, जो किस पर कटेगा, 111 पे। 37 को फिर 111 से काटेंगे तो हमें मिलेगा 3, यानी एक्स वाई कितना हो जाएगा 3, और 3 के हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 3 और 1, तो इनमें से वन एक होगा 3 और दूसरा होगा 1, तो 3 इंटू 37 बड़ा नंबर होगा और 1 इंटू 37 छोटा नंबर होगा, और हमें फाइंड आउट करना था बड़ा नंबर, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 111। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 111, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है, थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 एंड देयर एलसीएम इज 2400, फाइंड आउट देयर एससीएफ। तीन नंबर दिए गए हैं, उनकी रेशियो क्या, 3, 4 और 5, तो उनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना काफी इजी है। अगर हमें यहाँ रेशियो रिमूव करनी है तो इनको कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हम मान लेते हैं एक्स, और एक्स को हम एचसीएफ भी मान सकते हैं क्योंकि वो भी इनका कॉमन फैक्टर होगा, तो नंबर हमें क्या मिल जाएंगे, 3x, 4x और 5x। अब इनका कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, एक्स, और बाकी नंबर क्या बचेंगे, 3, 4 और 5, इन सब की हम करेंगे मल्टीप्लाई के, तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 60x, और एलसीएम इसमें ऑलरेडी कितना दिया गया, 2400, तो 60x किसके कुल रहेगा, 2400 के, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, कितनी आ जाएगी, 40, तो 40 क्या है, इनका कॉमन फैक्टर है, वही इनका एलसीएफ होगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 24, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 2, फाइंड आउट द नंबर्स। इसमें बताया गया कि दो नंबर है जिनकी एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना है, 24, और दोनों नंबर में कितना का डिफरेंस है, 2 का, तो इसको कैसे करेंगे, एक नंबर हम मान लेते हैं एक्स, तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2, क्यों, क्योंकि दोनों में 2 का डिफरेंस है, यानी एक जो है दूसरे से 2 बड़ा है, तो एक हमने मान लिया एक्स, दूसरा हमने मान लिया एक्स प्लस 2, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 24 के, तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x और 24 को हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो -24 इक्वल टू 0, तो उसको हम आगे कैसे करेंगे, एक्स प्लस 6x, 2x को क्या लिख सकते हैं, 6x-4x और -24, इसमें क्या रहेगा, इसमें हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस 6 इंटू x-4, तो यहाँ पर एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू -6 और प्लस 4, तो हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे, 4, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें पॉजिटिव इंटीजर ही लेना होगा, एक वैल्यू हमें मिल जाती है 4, दूसरी हमें मिल जाएगी 6, क्योंकि दूसरी वैल्यू क्या है, इससे 2 ज्यादा है, तो हमें दोनों नंबर मिल जाते हैं 4 एंड 6, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 6 एंड 4, यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम दिए गए हैं दो नंबर्स के, क्या है 50 और 250। एचसीएफ क्या है 50 और एलसीएम क्या है 250। इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय टू, अगर फर्स्ट नंबर को हम टू से डिवाइड करते हैं देन द क्वेश्चन इज 50, तो हमें क्वेश्चन मिल जाता है 50, तो सेकेंड नंबर क्या होगा ये इसमें पूछा गया है। हम फर्स्ट नंबर को ही एक्स मान लेते हैं, उसको जब हम टू से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन कितना मिल जाएगा 50, यानी एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 100, एक नंबर हमें मिल जाता है 100। अब सिंपल है, हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, तो एल सी एम कितना 250 है, एच सी एफ कितना है 50 है, और एक नंबर हमें मिल गया 100 और दूसरा नंबर हम फाइंड आउट करेंगे, तो दूसरा नंबर हमें क्या मिल जाएगा, इस 100 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 125, दूसरा नंबर क्या मिलेगा 125, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा 125, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1320 एंड देयर एच सी एफ इज 6, फाइंड आउट द एल सी एम ऑफ द नंबर्स। इजी है, दो नंबर की प्रोडक्ट दी गई है 1320, वो इक्वल होगी एल सी एम इंटू एच सी एफ के, सेम फार्मूला लगेगा जो कि लास्ट टाइम पे था। दोनों नंबर की प्रोडक्ट वैल्यू दी गई है, एक एल सी एम हमें फाइंड आउट करना है और एस सी एफ कितना 6, तो एल कितना आ जाएगा 1320/6, तो ये इनको काटेंगे तो हमें मिल जाएगा 220, तो 220 विल बी द आंसर, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 117, दो को प्राइम नंबर है जिनके प्रोडक्ट 117 है, फाइंड आउट द एलसीएम, तो इनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे 117 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमें क्या मिलेंगे 1 और 117, तो ये दो नंबर हमें मिल जाते हैं। इन दोनों का अगर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना, क्योंकि दोनों क्या को प्राइम नंबर्स है, इसलिए इनका एलसीएम भी सेम रहेगा 117, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, इफ द एल सी एम ऑफ द थ्री नंबर्स इज 9570 देन देयर एस सी एफ कैन बी, तो एल सी एम दिया गया तीन नंबर्स का और उनका हमें क्या फाइंड आउट करना एस सी एफ, तो इसको कैसे करेंगे 9570 के हम फैक्टर्स निकालेंगे और फर्स्ट जाएगा टू पे, तो हमें क्या मिलेगा 4785, इसको फिर हम फाइव से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में फाइव है, तो ये फाइव से हम डिवाइड कर लेते हैं, 957 हमें मिल जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 3 से 319 को हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो हमें मिल जाएगा 29, तो हमें फैक्टर मिल जाते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 29, तो ये हमें फैक्टर्स मिल जाते हैं 9570 के। अब हमें इनका एस सी एफ फाइंड आउट करना है, तो ये 2, 5, 3, 11, 29 ये सब इसके एस सी एफ हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में हम चेक करेंगे क्या दिया गया है, ऑप्शन में सिर्फ हमें एक ही मैच होता है 11, जो कि ऑप्शन ए का है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें दिया गया है एस सी एफ ऑफ टू नंबर इज 23, दो नंबर का एस सी एफ बताया गया 23 एंड द अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर एल सी एम आर 13 एंड 14, फाइंड आउट द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। इसमें हम क्या करेंगे, यानी एक नंबर है 13 दूसरा नंबर है 14, क्योंकि एस सी एफ जो है दोनों में कॉमन होता है, इसलिए दोनों को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 23 से। अब हमें फाइंड आउट करना लार्जर नंबर, तो हम लार्जर नंबर कौन सा फाइंड आउट करेंगे 23 इंटू 14, जो कि कितना रहेगा 322, कितना आएगा 322, तो 322 किसका ऑप्शन है ऑप्शन सी का, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है टू नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 29, दो नंबर दिए गए हैं जो कि दोनों 29 से बड़े हैं, हैव एस सी एफ 29 एंड एल सी एम इज 4147, दोनों नंबर का एस सी एफ 29 है और एल सी एम कितना है 4147, सम ऑफ द नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो एक नंबर हम मान लेते हैं एक्स, तो दूसरा आ जाएगा वाई, दोनों का एस सी एफ कितना है 29, 29 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इनका एल सी एम कितना दिया गया है 4147, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एल सी एम, एल सी एम कितना 4147 इंटू एस सी एफ, एस सी एफ कितना 29, तो 29 से 29 कट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 29x इंटू वाई इक्वल टू 4147, तो हमें एक्स वाई मिल जाएगा 20, इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 29 से, तो हमें मिल जाएगा
143। अब 143 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। एक्स वाई हमें कितना मिला, 143। 143 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 × 11। तो एक नंबर हमें मिल जाएगा 13 × 29, इसको 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा नंबर हमें मिल जाएगा 11 × 29। मीन्स वन एक नंबर होगा 377 और दूसरा नंबर क्या होगा, 319। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 696। क्या मिलेगा, 696। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स एक्स एंड वाई इज 161। दो प्राइम नंबर्स है, क्वेश्चन को ठीक से रीड आउट करना। यहाँ पर दो प्राइम नंबर्स दिए गए हैं एक्स और वाई, जिसमें एक्स जो है वाई से बड़ा है, तो हमें इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3y - x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो काफी इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन यही है। तो इसको कैसे करेंगे, दो दो प्राइम नंबर्स है, एक है एक्स और दूसरा है वाई, दोनों का प्रोडक्ट कितनी है 161। क्यों, क्योंकि दो प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। 161 के फैक्टर आ जाते हैं 1 × 161 या फिर 23 × 7। अब एक्स और वाई की वैल्यू दो हमें मिल जाती है, इसमें हम कौन सी लेंगे वो कैसे चेक करेंगे। याद रखे शुरू में क्या बताया था, प्राइम नंबर्स, दोनों नंबर क्या, प्राइम नंबर। जबकि फर्स्ट में हम चेक करते हैं 161 जो है प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि 161 के 1 और 161 के अलावा 23 और 7 दो और फैक्टर होते हैं, इसलिए 161 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर हमें कौन से मिल जाते हैं, 23 और 7। अब इसमें हम एक एक्स मानेंगे, दूसरे मानेंगे वाई। कौन सा एक्स होगा कौन सा वाई होगा हम चेक करेंगे दी गई कंडीशन से। कंडीशन क्या दी गई है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो x बड़ा होगा यानी x 23 होगा और y कितना होगा, 7। अब इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे दी गई इक्वेशन में, तो 3y - x यानी 3 × 7, y की वैल्यू कितनी थी, 7, और x बड़ा था क्या था, 23। तो हमें मिलेगा 21 - 23, दैट इज इक्वल टू -2। तो -2 इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है द ग्रेटेस्ट नंबर डेट एग्जैक्टली डिवाइड्स दीज थ्री नंबर्स। तो हमें यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, एससीएफ फाइंड आउट करना है। इन दिए गए तीन नंबर से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आप खुद से चेक करिए इनमें राइट ऑप्शन क्या होगा। नेक्स्ट आ जाता है 21 मैंगोज ट्री, 42 एप्पल ट्रीज, 56 ऑरेंज ट्रीज हैव टू बी प्लांटेड इन रोज such that each row contains the same number of trees of one variety only. ये तीन तरह के ट्रीज दिए गए हैं, मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज के, सबकी क्वांटिटी अलग अलग है, इनको हम एक एक करके रो में लगाएंगे। अब कंडीशन ये है कि इन रोज में एक ही टाइप के ट्री आने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, और सेम सेम फ्रूट के होने चाहिए। इसमें कंडीशन क्या है, हर रो में इक्वल क्या रहेंगे, पेड़ रहेंगे और सेम फल के रहेंगे, सेम फ्रूट के रहेंगे। कैसे करेंगे, इन तीनों का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना रहेगा, 21, 42 और 56 का एलसीएम हमें मिल जाएगा 7। कितना मिलेगा, 7। तो 7 ट्री जो है हर रो में रहेंगे, तो हमें ट्री मिल जाते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज कितने, 7। अब सेकंड पूछा गया मिनिमम नंबर ऑफ रोज, लेकिन इसमें यह नहीं पूछा, इसमें पूछा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन विच द ट्रीज में बी प्लांटेड। तो कितनी ऐसी रोज बन सकती है, कितने ऐसे रोज, कितनी ऐसे लाइन बन सकती है जिसमें सब में 7 पेड़ होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुल कितने ट्रीज है वो हम चेक करेंगे, उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक रो में कितने ट्रीज आते हैं, 7, और कुल ट्रीज को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ रोज मिल जाएगी 21 + 42 + 56, कितना आ जाएगा, 119। इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो हमें मिल जाएगा 17, यानी कि हमें रोज कितनी मिलेगी, 17, यानी कि 17 रो में 17 लाइन में 7-7 पेड़ लगाएंगे तो दिए गए पेड़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 58, इसमें बताया गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमोंग होम 1001 पेन्स and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and same number of pencils.
तो किसी क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसमें हमें 1001 पेन और 910 पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और क्या करने है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी हम पेंसिल और पेन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिनमें ये पेन और पेंसिल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना। तो उसमें हम क्या लगाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1001, और 910 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसको इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे डिवीजन मेथड का, यानी कि 910 से डिवाइड करेंगे 1001, वन पे जाएगा तो 910, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 91। फिर 910 को हम डिविडेंड बनाएंगे। अब आप चेक कर सकते हैं ये 10 पे पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर कुछ शेष नहीं बचेगा, तो ऐसे अभी मिल जाएगा 91। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 59। ए रेक्टेंगुलर कार्टियार्ड 3.78 मीटर लॉन्ग एंड 5.25 मीटर वाइड इज टू बी पेव्ड एग्जैक्टली विद द स्क्वेयर टाइल्स। यानी कि एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड दिया गया है, इसकी लेंथ है 3.78 मीटर और चौड़ाई है 5.25 मीटर। उसमें हमें सेम साइज की टाइल्स जो है पेव्ड करनी है, सेम साइज की टाइल्स लगानी है। व्हाट इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द टाइल, टाइल का लार्जेस्ट साइज क्या होगा, विच कुड बी यूज फॉर द पर्पज, जो इस पर्पज के लिए यूज हो सके। तो हम इसमें क्या करेंगे, इनका हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इक्वली डिवाइड कर सके। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे इसमें, एचसीएफ, क्योंकि दोनों नंबर क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन में हम डेसिमल रिमूव करेंगे, तो दोनों को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 378 और 525। अब हम इनका निकाल लेंगे एचसीएफ, जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 21, क्या मिल जाएगा 21। तो 21 इनका एचसीएफ है, यानी तो 21 किस में आएगा, सेंटीमीटर्स में, क्योंकि ये हमने सेंटीमीटर्स में निकाले तो 21 भी सेंटीमीटर मिला। इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी आंसर किस में है, सेंटीमीटर में, ये भी हमें चेक करना होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। और दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें दिया गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो टू लीव द सेम रिमाइंडर इन इच केस। ये बिल्कुल सेम है, इसमें हम यूक्लिड डिवीजन लीमा का मेथड यूज करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, तीन नंबर दिए गए हैं, तीनों नंबर को एक ग्रेटेस्ट नंबर क्या करता है, इस प्रकार से डिवाइड करता है कि तीनों से हमें सेम रिमाइंडर मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम क्या लगाते हैं, यूक्लिड डिवीजन लीमा का मेथड, जिसमें हम दो दो नंबर का डिफरेंस फाउंड आउट करेंगे। 43 और 91 का डिफरेंस क्या रहेगा, 848। 183 और 91 का डिफरेंस क्या रहेगा, 92। और क्या रहेगा, 140। अब हम इनका क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा तीनों का, आप चेक करिए, एलसीएम आपको मिलेगा 4। तो 4 हमें ऐसा नंबर मिलेगा जो दिए गए नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें हमेशा सेम रिमाइंडर मिलेगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 11 किया था, एग्जाम्पल की वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने यूक्लिड डिवीजन लीमा का मेथड भी समझाया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसको यहीं पर ही खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और साथ के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, अगर नेक्स्ट टाइम मैं जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।